हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ साइंस की बुक का चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये सारा का सारा कवर कर चुके हैं, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर सेल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि लीव्स जो होती है ना, अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स में ही क्लोरोफिल नहीं होता है, बाकी सारी जो लीव्स होती है ना उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना लीव को। मगर जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती है ना उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मगर बाकी सारे जो कलर्स होते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। मगर जो है क्लोरोफिल हर लीव में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। तो आप लोगों ने देखे होंगे पॉन्ड्स वगैरह, कहीं आप गांव में गए हो या किसी जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपने वहाँ पे तालाब वगैरह देखे होंगे जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। तो जहाँ पर जिन वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ का मतलब हो गया जिसकी जिस भी चीज़ में पानी है, नेचुरल चीज़ में, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है तो आप लोग एक एल्गी की ग्रोथ देखते हो। एल्गी क्या होता है? आप देखते हो कि काई जैसी जम जाती है, मतलब पानी क्या हो जाता है, हरा हरा या फिर रेड रेड इस टाइप का हो जाता है, तो वो चीज़ एल्गी होती है। एल्गी ना जैसे ग्रीन कलर की होती है ना, तो इसमें खुद की अपने पास, मतलब इसके पास भी क्लोरोफिल होती है, और इसके पास क्लोरोफिल होती है तो ये अपना खाना जो है ना ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी है क्या है, ये एक एनिमल की कैटेगरी में आता है ना, मगर ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है। अब आगे आता है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस का मतलब होता है यूज़ करना, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या खाना जो है प्लांट में होता है? तो हमने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसमें हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स ये बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं, मतलब इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है। और जो प्रोटीन बनता है ना वो तभी बनता है जब प्लांट के पास नाइट्रोजन होती है। अब प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है? हम लोगों ने पढ़ा था कि हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, मगर जो प्लांट्स होते हैं ना वो हवा की नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। मगर क्या है कि जो सॉइल में ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में, और उसको सॉइल में भेज देते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को, तो फिर सॉइल में चली जाती है और ये नाइट्रोजन जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ साथ। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है क्योंकि क्या होता है ना, प्लांट्स में नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन इस्तेमाल कर पाना प्लांट्स के लिए मुश्किल होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना बहुत सारी, वो प्लांट नहीं इस्तेमाल कर सकता है। प्लांट सिर्फ सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ही यूज़ कर पाता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो इस तरीके से या तो बैक्टीरियाज की हेल्प से नाइट्रोजन यूज़ कर लेता है जो प्लांट है, या फिर वो बाहर से ऐड करी जाती है, फार्मर्स उसको ऐड करते हैं, और जब नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह सारे के सारे बनाता है और अपना आराम से उसको यूज़ कर सकता है फिर प्लांट। फिर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम लोगों ने क्या देखा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ऑटोट्रॉपिक की वो अपना खाना खुद बनाते हैं। मगर कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होती, काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगी तो अपना खाना कैसे बनाएंगे? खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का होना और वाटर का होना, इन चीज़ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल,
इन चीज़ों का होना, इन चार चीज़ों का होना खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सहारा लेते हैं। जैसे कि इंसान है, हम लोग क्या हैं, हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं, हम लोग अपना खाना खुद मतलब नहीं बनाते, हम तो पेड़ों से लेते हैं ना, हम सिर्फ उगा सकते हैं। मगर किस पे उगा रहे हैं, उगता तो पेड़ पे ही है, तो हम लोग पेड़ों से अपना खाना या फिर जानवरों से अपना खाना लेते हैं। मगर जो पेड़ हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपना खाना नहीं बनाते बना पाते। तो इस तरीके के पेड़ों को हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा येलो से कलर की ब्रांचेस लटकी रहती हैं, कई बार किसी एक प्लांट के ऊपर बिल्कुल दूसरा प्लांट येलो येलो सा कलर का बेल जैसा लटका रहता है, अभी हम पिक्चर में देखेंगे। तो वो जो प्लांट है ना, वो उस प्लांट का नाम है कसकुटा, या फिर हम उसे अमरबेल कहते हैं। ये प्लांट क्या करता है, ये दूसरे प्लांट से चिपक जाता है और उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशंस लेने लगता है। और क्योंकि अमरबेल में खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो रेडीमेड बना बनाया खाना दूसरे प्लांट से लेता है उसके ऊपर चढ़ करके। और प्लांट जिस पे वो क्लाइंब कर रहा होता है, वो जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। और क्योंकि ये अपने होस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव कर देता है, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेता है सारे के सारे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के प्लांट को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से मतलब ले लेता है। तो कसकुटा को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक पैरासाइट है। तो इस तरीके का प्लांट जो अपने होस्ट पे किसी दूसरे प्लांट पे एक तरीके से लटक जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है, तो हम उसे पैरासाइट कहते हैं। ये देखिए, ये तो ग्रीन कलर का प्लांट है, येलो येलो जो दिख रहा है ना, ये कसकुटा चिपका पड़ा है प्लांट पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैरासाइट्स का एग्जाम्पल देना है। कि पैरासाइट का क्या एग्जाम्पल है, तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है कसकुटा। और पैरासाइट क्या करते हैं, दे टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। फिर आगे आता है, आप लोगों ने सुना होगा ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स खाते हैं। ऐसे प्लांट्स के बारे में क्या आपने सुना है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरीके के पेड़ जो होते हैं, वो भले ही उसमें ग्रीन कलर हो, मगर उनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो दूसरे जानवरों को, मेनली कीड़े मकौड़ों को खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, क्योंकि वो पिक्चर जैसा दिखता है, घड़े जैसा दिखता है, जग जैसा दिखता है, इसलिए उसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में हमें दिखा रखा है, ये है पिक्चर प्लांट। ये अपना खाना वैसे थोड़ा बहुत तो बना लेता है, बट क्या करता है, इसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ना। तो ये देखिए, ऐसे जग जैसा होता है इसका मुँह, ठीक है, ये ऐसा करके होता है। वैसे तो इसके ऊपर लिड होती है, लिड का मतलब होता है कोई भी ढकने की चीज़, तो ये ढका रहता है। बट जैसे ही इंसेक्ट आता है ना इसके पास, इनके पास कोई कीड़ा आता है, ये अपनी लिड खोलता है, अपना मुंह खोलता है और कीड़े को अपने अंदर ले लेता है और अपना मुंह फिर बंद कर लेता है। फिर क्या करता है ये, फिर उस कीड़े में से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सारे के सारे निकाल लेता है, अपने अंदर ले लेता है। फिर ये इंसेक्ट पिक्चर प्लांट में जब आ जाता है, ट्रैप कर लेता है। इसके अंदर ना कुछ बाल 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 जैसे होते हैं, तो उसके अंदर कीड़ा वगैरह इंसेक्ट जो भी होता है वो फंस जाता है। फिर अपनी लिड क्लोज कर देता है और इंसेक्ट उसमें फंसा रह जाता है। फिर इंसेक्ट में से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो निकाल लेता है और अपना उसको खा लेता है। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट का, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना, वो क्या हो गया हमारा पिचर प्लांट, ये इंसेक्ट खाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। हाँ, इसीलिए तो वो क्या करते हैं, मतलब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से नहीं ले पाते ना, इसलिए वो जानवर खाने लगते हैं, कीड़े पकौड़े। अब पूजो कन्फ्यूज़ हो गया है कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन है तो और फोटोसिंथेसिस करता है, तो अपना खाना मतलब इंसेक्ट से क्यों लेता है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है कि अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब आते हैं सेफ्रोट्रोफ्स। सेफ्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, आप लोगों ने बाज़ार में मशरूम के पैकेट देखे होंगे, है ना। और आप लोगों ने कई बार क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर उग जाता है, जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो एक छतरी जैसी कई बार आपको उगी हुई दिखती है। तो ये मशरूम जो है और ये अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो सड़ी हुई लकड़ी वगैरह पे उग जाता है, ये भी क्या होता है, एक तरीके का न्यूट्रिशन का मोड होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, फिर हमें एक्टिविटी बता रखी है कि हम अगर ब्रेड लें, ब्रेड को हम लोग तीन चार दिन गीला करके उसको छोड़ दें, तीन चार दिन बाद देखेंगे तो उस पर ग्रीन ग्रीन सा, ब्राउन ब्राउन सा कुछ लेयर्स ही जम के आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं फंगस। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म ये जो हमें ब्रेड पे दिख रहा है ना, ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा, और हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फंगस, फंगी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं,
दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ये क्या करते हैं, दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, मतलब ब्रेड में से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहे हैं. तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो सेफ्रोट्रोफ क्या होते हैं कि मतलब कोई चीज़ सड़ जाती है या कोई जानवर मर जाता है, तो उस जो कोई चीज़ सड़ गई, कोई जानवर मर गया, उसमें से अगर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो चीज़ डेड हो चुकी है, डिके हो चुकी है, उससे अगर कोई जानवर अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना खाना ले रहा है, तो वो होता है सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को, सच ऑर्गेनिजम्स विद सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ्स. और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से खाना लेते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेफ्रोट्रोफ्स बोलते हैं. फंगस जो है वो पिकल होता है अचार, लेदर पे, कपड़ों पे, और मतलब बहुत सारी जगह ये ग्रो करता है, ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो कर जाता है. तो हॉट और ह्यूमिड वेदर होना चाहिए इसके लिए, मतलब गर्मी होनी चाहिए और ह्यूमिड का मतलब होता है नमी होनी चाहिए काफ़ी लंबे समय तक. इसलिए क्या होता है, बरसात के मौसम में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं. फंगस के जो स्पोर होते हैं ना, फंगल स्पोर्स जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब भी इनको हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाता है, हॉट और मतलब थोड़ा गीला एनवायरनमेंट मिल जाता है, उस पर बैठ जाते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं. तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं इससे, तो भाई नमी नहीं बढ़ने दीजिए, और कोई चीज़ गर्म नहीं ना रखें बहुत ज़्यादा, और उसमें मतलब गर्म हो तो उसमें नमी ना हो, अगर नमी नहीं होगी तो फंगस ग्रो नहीं करेगी. कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोग, जैसे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो लोग साथ में रह रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. मतलब एक जानवर तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा जानवर रहने की जगह यानी कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. तो इस तरीके की रिलेशनशिप को, कि भाई एक जानवर तो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, खाना पीना ला रहा है, एक रहने की जगह दे रहा है और एक दूसरे की ये हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. मतलब वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. जैसे आप हो, सपोज करिए आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है. आप जो हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप खाना ला रहे हैं, और आपका फ्रेंड जो है वो रहने की जगह दे रहा है. तो आप दोनों मिल बांट करके काम कर रहे हैं ना, तो ये ही जो प्रोसेस होता है, ये सिम्बायोसिस का प्रोसेस होता है. एग्जांपल के लिए, कुछ फंगी लिव इनसाइड रूट्स ऑफ प्लांट. कुछ फंगीज जो होते हैं वो प्लांट की रूट में रहते हैं, और प्लांट जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. मतलब प्लांट कुछ फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और फंगस प्लांट को क्या देता है, पानी देता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लाइकन्स बोलते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गे. मतलब एक क्या होता है, एक होता है अल्गा, ये है सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है. एक अल्गा होता है और दूसरा क्या होता है, फंगस. एक अल्गा होता है, एक फंगस होता है, ये दोनों साथ में रहते हैं. तो फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, पानी देता है और मिनरल्स देता है अल्गा को. फंगस जो है क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, और इन रिटर्न में अल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. तो ये फंगस क्या दे रहा है, फंगस रहने की जगह और पानी मिनरल दे रहा है ना. और अल्गा क्या दे रहा है, अल्गा दे रहा है उसको खाना, पका पकाया खाना दे रहा है. तो फंगी एंड अल्गी, एल्गी एंड फंगी, ये भी क्या है, एक सिम्बायोसिस का टाइप है. तो ये भी आप लिख सकते हैं. आगे आता है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल का मतलब होता है कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में दोबारा से बनते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर्स मैन्योर्स, मतलब खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह फील्ड्स में डाल रहे हैं. जो गार्डनिंग करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, वो लोग भी अपने खेतों में जो है खाद वगैरह डालते हैं. तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कई बार कमी हो जाती है. उस कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है. हमने पढ़ा था पहले भी कि प्लांट्स जो है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनके अमाउंट, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. मतलब प्लांट जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं सॉइल से, तो अब लेते रहेंगे तो कम हो जाएगी. इसलिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो कि न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हो गई, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इस तरीके का यूरिया बना करके खाद की फॉर्म में डाला जाता है, ताकि जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जाए. मगर क्या है ना कि यूजुअली जो क्रॉप्स है ना, वो काफ़ी सारी नाइट्रोजन जो है वो
एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. क्रॉप्स बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी ले लेती हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. वैसे तो हवा में प्लेंटी है, मतलब बहुत सारी नाइट्रोजन है, मगर हमने पहले भी देखा था कि प्लांट्स नाइट्रोजन हवा वाली यूज़ नहीं कर पाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड तो कर लेते हैं मगर हवा की नाइट्रोजन नहीं कर पाते, वो सॉइल में से ही नाइट्रोजन ले पाते हैं. इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमोसफेयर में से, मतलब बैक्टीरिया लेते हैं एटमोसफेयर से नाइट्रोजन, सॉइल में पहुंचाते हैं और सॉइल से कौन ले लेता है, प्लांट ले लेते हैं. मगर राइजोबियम जो है ना वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए वो कहाँ पर रहते हैं, वो ऐसी रूट्स में रहते हैं जैसे कि ग्राम, पीज, मूंग वगैरह, जो दालें होती हैं ना, दालें, ग्राम, पीज, मूंग, ठीक है, और बाकी लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे मेनली जो दालों के प्लांट्स होते हैं ना, वही लेग्यूम्स होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है क्योंकि उनको रहने की जगह मिल जाती है, और इन रिटर्न लेग्यूमिनस बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया जो है ये लेग्यूम जो है इसको रहने की जगह मिल गई और प्लांट को इससे नाइट्रोजन मिल गई. तो देखिए इनकी भी रिलेशनशिप कैसी हो गई, इनकी भी जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई है, क्योंकि जो लेग्यूम है वो प्लांट में रहने की जगह मिल रही है लेग्यूम को, है ना, और प्लांट को इससे क्या मिल रहा है, प्लांट से इसको नाइट्रोजन मिल रही है. तो इसलिए ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई. और ये जो एसोसिएशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस का है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर फार्मर अपने खेतों में जो दालें लगाते हैं ना, मूंग, तूर वगैरह, तो इससे इन लोगों को ना फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन खुद ही वो आराम से अब्सॉर्ब हो जाता है. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स से नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉइल में चली जाती है. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स जो कि पैरासाइट होते हैं और सेफ्रोट्रोफ होते हैं. पैरासाइट्स हम लोगों ने क्या देखा था कि जो जैसे कि कसकुटा हो गया, कसकुटा क्या करता है, दूसरे के उस पर, प्लांट पे दूसरे पे चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिएंट लेने लगता है. सेफ्रोट्रोफ्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग, मतलब डेड जो प्लांट हो चुका होता है उसमें से, डेड एंड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल, उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया फंगस, ब्रेड पे लग जाता है ना. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रोप्स, सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रोप्स होते हैं, है ना. क्या कुछ प्लांट भी हेटरोट्रोप्स हो सकते हैं, तो हम लोगों ने देखा था पिचर प्लांट जो है वो कीड़े खाता है, तो वो पार्शियली हेटरोट्रोप है. तो हम लोगों ने पूरा आप इसका चैप्टर देख लिया है. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू.